बालोद के गुरुड़ ब्लॉक के ग्राम टोटोपायर मिडिल स्कूल में शिक्षक की कमी को लेकर एक दिन पहले पालकों और बच्चों ने आंदोलन किया था। तालाबंदी कर बच्चे बीईओ कार्यालय पहुंच गए थे। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल 3 शिक्षकों की व्यवस्था वीडियो बीईओ टीपी कोसरी ने की और वे शिक्षक अब इस पूरे सत्र में वहाँ पढ़ाएंगे। शिक्षक ड्यूटी पर गए हैं नहीं सच्चाई जानने के लिए खुद बीईओ कोसरी दूसरे दिन जब स्कूल खुलने का समय हुआ सुबह गाँव पहुंचे और स्वयं की मौजूदगी में बंद ताले को खुलवाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने ताली बजा कर उनका स्वागत किया और नए शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश कराया गया। अब यहाँ कुल 5 शिक्षक हो गए हैं। वही प्रधान पाठक अस्वस्थता के चलते अवकाश पर हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों की समस्या को लेकर उठाए गए तत्काल कदम से ग्रामीणों में खुशी है। सभी ने उनका आभार जताया। बच्चों में तो खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हमारी पढ़ाई पटरी पर आएगी। सभी ने शिक्षा अधिकारी इस पहल की सराहना की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी से अध्यापन कराने के निर्देश दिए। याद हो कि यहाँ के दिन पहले तक सिर्फ एक ही शिक्षिका श्वेता मसीह थी। प्रधान पाठक मुकेश साहू अस्वस्थता के चलते 14 अक्टूबर से अवकाश पर चले गए हैं। स्कूल में 45 बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं थे। कम से कम 3 और शिक्षक चाहिए, ऐसी मांग लोगों ने की थी। बीईओ ने उनकी मांगें पूरी कर दी है। पालकों और बच्चों के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षक मांग हेतु गए हुए थे और उसके पहले भी हमने इस स्कूल के लिए शिक्षकों का व्यवस्था किया हुआ था अध्यापन व्यवस्था के अंतर्गत, मगर शिक्षकों के भार मुक्त नहीं होने के कारण ग्रामीण जो है आक्रोशित होकर के गए हुए थे ऑफिस में और तत्संबंध में बैठ करके हमसे चर्चा हुई और फिर 3 शिक्षकों की जो मांग थी उनको हमने व्यवस्था के तहत दिया और जो तालाबंदी था दूसरे दिन मैं स्वयं यहाँ स्कूल आकर के शिक्षकों के साथ स्कूल आया। व्यवस्थागत जो शिक्षक हमने व्यवस्था किया उनके साथ और आकर के शिक्षक की जो समस्या थी स्कूलों के लिए उसको हमने अभी सॉल्व कर लिया है। ये शिक्षक जो है इस सत्र भर अभी डोटोपार मिडिल स्कूल में ही अपनी सेवा देंगे। नाम और पद बताइए। मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी डीपी कोसरी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।